सो फाइनली दोस्तों द केरला स्टोरी मूवी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और अभी मैं इस फिल्म को देख के आ रहा हूँ। दोस्तों इस फिल्म की पूरी रिव्यू दूंगा और इस फिल्म को कितने स्टार मिलने चाहिए और दोस्तों इस फिल्म को आप देखें या ना देखें ये भी बताऊंगा। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देते रहिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सिनेमाघर में द केरला स्टोरी रिलीज हो चुकी है और इसको कश्मीर फाइल 2 बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि जब कश्मीर फाइल रिलीज हुई थी दोस्तों उसको भी प्रोपेगेंडा मूवी बताया गया था और ये कहा था कि इसकी कहानी झूठ है, हर वो एक चीज जो कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ है वो भी झूठ है। दोस्तों इस फिल्म को काफी लोगों ने ट्रोल भी किया था और इसको प्रोपेगेंडा का नाम बताया गया था कि ये फिल्म नफरत फैलाने का काम कर रही है, भारत और पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम को बांट रही है। पहली बात दोस्तों द केरला स्टोरी फिल्म किसी भी प्रकार से किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ये फिल्म दोस्तों किसी धर्म को तोड़ने का काम नहीं कर रही है और कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज यार इसको धर्म से ना जोड़े क्योंकि ये लड़कियों की कहानी है। दोस्तों लड़की किसी भी धर्म में हो, चाहे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन या किसी भी धर्म में हो, दोस्तों लड़की आज सुरक्षित है और जहां लड़की की सुरक्षा की बात आती है तो द केरला स्टोरी फिल्म उन सभी लड़कियों के माता पिता और सभी भाई बंधु को देखना चाहिए क्योंकि ये एक अवेयरनेस फिल्म है, ना कि प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है। दोस्तों इस फिल्म की शुरुआत होती है शालिनी नाम की एक लड़की से। शालिनी से लेकर फातिमा बनने का सफर दिखाया जाता है। दोस्तों उसको ऐसी सहेलियां मिलती है जो उसके धर्म परिवर्तन में उसका योगदान देती है, उसके ब्रेन वॉश करती है। धीरे धीरे जो उनपे चीजें गुजरती है दोस्तों उसको एक धर्म से दूसरे धर्म की ओर खींचा जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है और दोस्तों उसको ये तक भी बताया जाता है कि किसी एक धर्म के जो गॉड है उसको सुप्रीम बताया जाता है और दूसरे धर्म के गॉड में ये बताया जाता है कि यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं में बहुत सारे करोड़ों भगवान है, किस किस की पूजा करोगे। और दोस्तों उसमें एक ये भी डायलॉग है कि अल्लाह जो है सुप्रीम गॉड है और वो सब सुनता है। दोस्तों पहली बात ये वीडियो किसी के धर्म को बदनाम करने की नहीं है, प्लीज इसको धर्म से मत जोड़िए, ये सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो है। मैं अपनी फिल्म का रिव्यू दे रहा हूं और मैं अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंचेगा तो उसके लिए माफी भी चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो सहेलिया होती है वो अदा शर्मा यानी कि शालिनी को जो है ब्रेन वॉश करती है। धीरे धीरे दोस्तों उसका सफर जो है शालिनी से फातिमा की तरफ होते होते दोस्तों वो ISI के अंदर साइरिया में घुस जाती है, आतंकवाद से जुड़ जाती है दोस्तों। और ये कहानी दोस्तों लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। पहली बात दोस्तों केरला के अंदर आप अगर इंटरव्यू देखोगे, और मैं ये नहीं कह रहा कि 32,000 लड़कियों के साथ ही ऐसा हुआ है, हो सकता है कि ये 500 हो सकता है ये आंकड़ा सिर्फ 100 लड़कियों के साथ भी हो, लेकिन दोस्तों हुआ है, हुआ था और ऐसी चीजें ना हो। ये दोस्तों पूरी कहानी एक लव जिहाद के ऊपर है कि कैसे लड़कियों को ब्रेन वॉश करके ISI टेररिस्ट संगठन में जोड़ा जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनके साथ आबादी बढ़ाई जाती है और दोस्तों आतंकवाद के साथ जोड़कर आतंकवादी जो है वो देश के टुकड़े टुकड़े करने में अपना योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जाती है। ये आंकड़े पे मत जाइए, आपको बता दूं कि ये फिल्म को रिलीज करना अपने आप में बहुत बड़ा गट्स है दोस्तों। सच्चाई को सामने लाना ही एक बहुत बड़ा गट्स है, झूठ तो हर कोई बना देता है। आजकल दोस्तों भारत में सॉफ्ट पावर जिसका नाम है सिनेमा, सिनेमा दोस्तों सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जोन ही नहीं बना है, सिनेमा दोस्तों बन चुका है एक सॉफ्ट पावर जो सच्चाई को दिखाता है। जैसे कि विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल को लेकर ऐसी फिल्म जो 8 करोड़ 10 करोड़ के बजट की फिल्म लगभग 350 करोड़ का कारोबार कर सकती है, ऐसे ही दोस्तों ये फिल्म भी महज 25 से 30 करोड़ के आसपास की फिल्म है, बहुत ही लो बजट की फिल्म है, लेकिन दोस्तों इसको स्क्रीन भी बहुत कम मिले हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि फिल्म की जो माउथ टू माउथ प्रमोशन है दोस्तों वो आज के बाद से शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि पहले दिन की ओपनिंग कम हो सकती है, महज 3 करोड़ भी होगी, 5 करोड़ भी होगी। फिल्म के रिव्यू दोस्तों काफी अच्छे आ रहे हैं, एज पर मीडिया रिपोर्ट, एज पर ट्रेड एनालिस्ट दोस्तों इस फिल्म को 3.5-4.5 ऐसी रेटिंग मिल रही है। इनफैक्ट मैं खुद भी इस फिल्म को 4.5 की रेटिंग दूंगा। वही बात करूं दोस्तों सुदीप तो सेन जिस हिसाब से इन्होंने डायरेक्शन दिया है, स्क्रीन प्ले जो किया है दोस्तों मजा आ जाएगा। इसके अलावा विपुल अमृत लाल साहब जो इसके प्रोड्यूसर है, राइटर भी है दोस्तों इस फिल्म को लाने के लिए, उनको मैं सलाम करता हूं कि ऐसी फिल्में देश में आ रही है और ये फिल्में दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट कर रही है कि कृपया करके किसी भी धर्म की लड़कियां ऐसे चुंगलों में ना फंसे, ब्रेन वॉशिंग का शिकार ना हो। दोस्तों कुछ यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, इस फिल्म के नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। मैंने एक चीज देखा है सोशल मीडिया पर, कुछ नेगेटिव रिव्यू इस प्रकार आ रहे हैं कि यार इसके ब्रेन वॉशिंग जो किया है इसमें मजा नहीं आया, साथ ही साथ दोस्तों केरला में लोग पढ़े लिखे होते हैं तो कैसे जल्दी ब्रेन वॉश का शिकार हो जाते।
आते हैं। दोस्तों आपको पता है साउथ इंडस्ट्री में कैसे हाल है, कुछ लोग अच्छे भी है कुछ लोग बुरे भी है, और किस हिसाब से दोस्तों वहां पे चीजें चल रही है आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और ये एक दूसरी कश्मीर फाइल है दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर इसका माउथ टू माउथ प्रमोशन अच्छा रहा ये फिल्म 200 करोड़ 100 करोड़ इनफैक्ट 350 करोड़ भी पार कर सकती। अभी इसकी स्क्रीनिंग हुई थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दोस्तों, और वहां के स्टूडेंट्स भी जेएनयू के ना इस फिल्म की तारीफ की है। सो दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो कमेंट करके बताओ सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा, क्या ये फिल्म 100 करोड़ पार कर लेगी, क्या ये दूसरी कश्मीर फाइल बनेगी। दोस्तों इसी तरह अपने भाई रवि चौधरी को प्यार दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप मुझे थैंक्स भी भेज सकते हैं, थैंक्स का बटन है लाइक बटन के सामने देखेंगे आप तो एक सुपर थैंक्स का बटन है दोस्तों, आप मुझे थैंक यू भी भेज सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो को पसंद आई, वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद।